नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एक बेहद खास मुद्दे पर चर्चा के लिए। आपके साथ मैं हूं रितु ज्ञानवानी। वन नेशन वन इलेक्शन, सालों से इस पर बात होती आ रही है। देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, इस पर मंथन होता आ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, और समिति ने 2029 में सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश भी की है। लेकिन इसमें कई सारे पेच हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए कई विधानसभाओं के कार्यकाल घटाने बढ़ाने होंगे। बीजेपी और उसके सहयोगी दल वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने विरोध भी किया है। आखिर क्या है ये एक देश एक चुनाव के फायदे, ये भी आपको बताएंगे। आखिर क्यों विपक्ष विरोध कर रहा है इसका, ये भी आपको बताएंगे। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंप दी है। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई गई थी। सितंबर 2023 का ये समय जब कमेटी तैयार की गई थी, कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद रिपोर्ट सौंपनी थी। अब पूर्व राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंप दी है। लगभग 18,000 पेज की ये रिपोर्ट है। अब जो है फैसला आगे लिया जाएगा। एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश जो है कर दी गई है कमेटी के द्वारा, और अब राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। इस पर जल्द फैसला भी लिया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि कई सारे सुझाव लिए गए, साथ ही साथ बीजेपी जब इसका समर्थन कर रही है तो विरोध कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस के साथ ऐसे कई सारे दल हैं जो इसका विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो भाजपा के सहयोगी दल जो है समर्थन में हैं, कांग्रेस है, टीएमसी है, इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए पहले वो सुनते हैं। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, शुरू से कहते आए कि इस देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए, और एक साथ चुनाव होने से विकास के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के चुनाव जब पूरे साल चलते हैं तो विकास बाधित होता है, और यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की भी अवधारणा शुरू से ही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस भावना का सम्मान भी करता हूं। पिछले समय उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसने सुझाव दिए हैं, और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक देश एक चुनाव इस भावना के हिसाब से बहुत अच्छी पॉलिसी। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, फिरोज सिद्दीकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका। पंकज चतुर्वेदी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज जी, क्विक रिएक्शन, एक देश एक चुनाव पर समिति बनाई गई थी, रिपोर्ट तैयार हो गई है, अब सिफारिश के लिए राष्ट्रपति को भी सौंप दी गई है। जनता पार्टी की मोदी सरकार समयकाल परिस्थिति के आधार पर जो भारत हित में उसके लिए काम कर रही है, और अभी जिस प्रकार से चुनाव देश में होते, लोकतंत्र का बड़ा यज्ञ होता है, उसका खर्चा 10,00,000 करोड़ रुपया खर्चा है, और यदि ये एक देश एक चुनाव के रूप में आ जाएगा, एक भारत एक चुनाव, तो खर्चा सीधा बचेगा 7,00,000 करोड़। कुल 3,00,000 करोड़ रुपये चुनाव संपन्न होगा, तो भारत की 7,00,000 करोड़ की पूंजी भारत और भारतीयों की बचेगी। और जिस प्रकार की व्यवस्था जनित विसंगतियां होती हैं भिन्न भिन्न चुनाव से, कहीं आचार संहिता है, कहीं विकास के कार्य हैं, कहीं और विषयों, सब रुकेंगे। तो इस समिति में जिसकी अध्यक्षता आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने करी थी, अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें उन सारे विषयों पर, चाहे वो विधानसभाओं के लोकसभाओं के कार्यकाल के विषय हो, अनुच्छेद 356 का विषय हो, लोकसभा के विघटन का विषय हो, ऐसे 5 हमारे जो इम्पोर्टेंट अध्यादेश है 83, 84, 172, 173, 356, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। उस रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण होना शेष है, पर मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सितंबर में बनी कमेटी, और आज हम मार्च में बात कर रहे हैं, लगभग 6 महीने के भीतर उस कमेटी ने देश भर के तमाम राजनीतिक दलों से बात करी, विधि विशेषज्ञों से बात करी, अन्य लोगों से बातचीत करी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिपक्ष के लोगों को, जो इसका विरोध कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का, एक भारत एक चुनाव का, उनको विरोध का रास्ता छोड़ना चाहिए और भारत हित में सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये विषय भारत का है। ये विषय भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या पक्ष प्रतिपक्ष का नहीं है, ये विषय आम भारत के विकास का है। और भाजपा का संकल्प विकसित भारत,
तो भारत के विकास के लिए जो जो आवश्यक है उसमें महत्वपूर्ण चुनाव सुधार आवश्यक है, वन नेशन वन इलेक्शन आवश्यक है। निश्चित तौर पर विधानसभाओं के कार्यकाल पर लोकसभा के कार्यकाल पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और जैसी मीडिया रिपोर्ट है कि इस समिति की सिफारिश है कि 100 दिन के पहले विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ कराया जाए, उसके 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय के चुनाव, यानी देश भर के जो भी चुनाव है लगभग 3 महीने की अवधि में सारे चुनाव निपटा लिए जाए। जी ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, क्विक रिएक्शन आपका, किस तरह से देखते हैं इस बड़े फैसले को? देखिए, ये एक आम सहमति का मामला है। पूरे देश में जब आप पूरे चुनावों को बदलने की प्रक्रिया को बदलना चाहते हैं तो सभी दलों की इसमें राय शुमारी होना चाहिए, सभी दलों को इस पर बैठकर, सभी दलों को एक आम सहमति बनाकर इस पर कार्य होना चाहिए, क्योंकि भिन्न भिन्न राज्य हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न संस्कृति है और भिन्न भिन्न पार्टियां जो है राज्यों में काम कर रही है। तो हमको ये जरूरी है कि सभी जो राजनीतिक दल हैं उनको चर्चा करना चाहिए। और ठीक है, अगर आज ले आए आप तो अब चुनाव हैं, तो अब तो चुनाव ये करा लिए जाए जो है लोकसभा के, उसके बाद अगले 5 साल जो बचेंगे उस अगले 5 साल में इस मसले को लेकर हम विचार विमर्श कर लेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये इस बात की एक बू आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र पूर्वक चालाकी से वो जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को टालने का प्रयास कर रही है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, अब चुनाव आयुक्त की नए चुनाव आयुक्त की जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट लगी हुई है और सरकार उसके दो चुनाव आयुक्तों की ना नियुक्ति करना चाहती है जो कि असंवैधानिक है। ऐसे कई चीजें जो है सामने दिखाई दे रही है। और मोहन यादव जी अगर इतना ही चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, माननीय मोदी जी के हिसाब से होना चाहिए, तो इस्तीफा दे देना, देर क्यों कर रहे हैं, इस्तीफा दे दें, अभी 2024 में फिर से चुनाव हो जाएंगे उनके, देर क्यों कर रहे हैं वो। ठीक ठीक, बड़ा बड़ा आरोप बनकर जी, चुनाव टालने के लिए षड्यंत्र पूर्वक ये सारी ये चीजें आखिर इसमें कहां से मिसमैच हो रही है? देखिए ऋतु जी, दुष्प्रचार करना कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति है। ये सीए को लेकर भी दुष्प्रचार पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही कि नागरिकता छिन जाएगी पूरी कांग्रेस पार्टी। हमारा सिर्फ इतना सा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि हम जानते हैं कि हार की हताशा में भौतिक दिवालियापन आ जाता है, जैसा कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में है। इस विषय का भारत के वर्तमान लोकसभा चुनाव से क्या लेना देना? वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 3 जून 2024 को समाप्त हो रहा है, उसके पहले देश की नई लोकसभा का गठन होना है। चुनाव आयोग की नियुक्ति का विषय था, आज बैठक थी, कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी जी उसके सदस्य थे, बैठक में पहुंचे, वहां वो समिति निर्णय करेगी। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए देश की संसद ने संसद में चर्चा के बाद नया कानून पास किया है, उस नए कानून के प्रावधान के आधार पर आज बैठक हुई है, जिस बैठक में देश के 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे प्रचलन में प्रारंभ की गई है। निर्णय उस कमेटी के आधार पर आज शाम को आएगा। जहां तक कोर्ट में जाने का विषय है तो कोर्ट में तो 370 के विरोध में लोग चले गए तो 1951 में, पर उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने 370 चलाई ना, और अब तक कह रहे हैं कि हम 370 फिर लागू करेंगे, सीए का विरोध कर रहे हैं। तो ऋतु जी, कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार करती है। हमने पिछले 10 साल में भारत के अप्रीतम विकास के आधार पर अगले 25 साल 2047 के विकसित भारत के विजन के आधार पर जनता के सामने लक्ष्य तय किया है। अब की बार 370 से अधिक सीटें भाजपा की और एनडीए की मिलाकर। ऐसा तो नहीं है पंकज जी, यहाँ पर की ये भी सवाल है कि कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ एक कड़ी ये भी है बड़ा फैसला लेना? देखिए ऋतु जी, कांग्रेस मुक्त भारत कांग्रेस के कर्मों की वजह से, कांग्रेस ने जिस प्रकार परिवारवाद, तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद, लूट खसोट किया, ये इन्होंने कुछ छोड़ा भ्रष्टाचार के लिए? और तुष्टीकरण सबसे बड़ा दंश यदि कांग्रेस पार्टी ने देश को दिया, वो तुष्टीकरण का दंश है। और आज भी इनको लाज नहीं आती, अभी भी सीएए का विरोध कर रहे हैं कि वो कथित रूप से किसी जाति के विरोध में। अरे प्रभु, वो किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं सीए, वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो एक समय भारत का भाग थे, वहां पर धर्म के आधार पर जो लोग पीड़ित और प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता देने की बात है। सीए के किसी क्लॉज में कोई नागरिकता लेने की बातचीत ही नहीं है, पर ये उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमको बू आ रही है, अरे तुम्हारी सूंघने की शक्ति खराब हो गई, हर जगह षड्यंत्र करते हो तो षड्यंत्र की बू आती है। फिरोज जी, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव को लेकर के कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, पैसा बहुत बचेगा, एक साथ लोग जाकर के चुनाव कर पाएंगे।
कई तरह के तर्क हैं, अगर इतनी पॉजिटिव चीजें इसमें दिख रही हैं तो दिक्कत कहां है? देखिए, सरकार को आम सहमति बनाना किसका काम है? सरकार का काम है। राय ली गई ना फिरोज जी, राय ली गई ना राय के समय। हाँ बोलिए। तो सरकार को अगर राय ली गई है तो राय सब लोगों ने अपनी अपनी दी है। अब इसमें कई लोगों ने अपने जो है संशोधन भी दिए हैं, तो आपको बैठ के आम सहमति बनाना होगी और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना होगा, तब जाके ये वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा। किसी ने सेटराइट ये मना तो नहीं किया कि नहीं नहीं हम इस प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ हैं। मैं खुद भी कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं, मैं खुद भी कह रहा हूं कि हम बिल्कुल इस प्रक्रिया के पूरे सेटराइट खिलाफ नहीं है। लेकिन आप तो क्यों विरोध कर रहे हैं? नहीं तो आपको चर्चा करनी पड़ेगी ना भाई, हमको समझाइए ना कि आप इसको कैसे लागू करेंगे, कब कब कौन कौन से राज्यों में आपकी, कहीं आपकी सरकार है कहीं हमारी सरकार है, तो ये सरकारें कब इस्तीफा देंगी, किसको आगे बढ़ाना है, किसका कार्यकाल घटाना है। इतनी बड़ी जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें वही जिक्र किया गया है कि किसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, किसी का घटाया जाएगा, किस तरह की पूरी प्रोसेस रहेगी, इसका मेंशन किया गया है उसमें। हाँ तो सब सब हाँ तो सब मेंशन किया हुआ है ना, लेकिन आपको सबको बिठाना पड़ेगा साथ में, सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए ना सरकार, फिर हम अपनी अपने तर्क देंगे इस मामले में लेके। पहले से क्यों हमने कर दिया, अब हमने कर दिया इसलिए होना चाहिए, क्यों नहीं मिलता? कांग्रेस को भी तो इन्वॉल्व करना चाहिए ना, या कोई और भी पार्टियां ये आरोप लग रहे हैं कि अपने हिसाब से बीजेपी फैसला ले लेती है। देखिए ऋतु जी कांग्रेस पार्टी जरा विवेक की बात करें, देश में यदि कुछ भी होता है वो संविधान के आधार पर होता है, और मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में यही कहा कि अनुच्छेद 83, 84, 172, 173, 356 पांच बड़े अनुच्छेद हैं जो लोकसभाओं और विधानसभाओं के गठन विघटन से के ऊपर निर्भर करते हैं, उनके कार्यकाल को निर्धारित करते हैं, और इन पर देश की संसद में चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी और देश की संसद मिलकर तय करेगी। और ये लोकतंत्र है, जनता की रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए निर्वाचित सांसद है, चाहे वो कांग्रेस के हो भाजपा के, तो देश की सदन में चर्चा होगी। अभी तो कमेटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, देश भर के विशेषज्ञ लोगों से बातचीत करने के बाद देश का जनमानस और मानमानस जाना है, जिस पर संवाद होगा, और अंततोगत्वा देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है देश की संसद, वो मंच है जहां पर बैठकर बातचीत होगी। वहां कांग्रेस को अवसर है, इस कमेटी में कांग्रेस के लोगों को रखा था, भाग गए बातचीत करने के लिए नहीं आए। आप प्रथम दृष्टया किसी चीज का विरोध कर दो इसलिए कि मोदी जी लेकर आए, अरे मोदी जी का विरोध करो चलेगा, बीजेपी का विरोध करो चलेगा, और भारत का विरोध, भारत के सुधारों का विरोध, चुनाव सुधार का विरोध, क्यों आपको चीजें बताई जाती है तब क्यों भागती है कांग्रेस? देखिए सब लोगों ने अपने अपने संशोधन इस मामले में दिए हैं, और जब आज आई ये रिपोर्ट, ठीक है रखिए इसको रिपोर्ट को, अब तो चुनाव होंगे, पहले चुनाव हो जाएं 2024 के, और चुनाव होने के बाद जो है संसद आएगी। अब ये सही बात बोल रहे हैं कि अब इसको संसद के पटल पे रखा जाएगा, तो संसद का पटल तो अब जो है मानसून सत्र आएगा, जो संसद का आएगा जो नई सरकार के गठन के बाद आएगा, तब चर्चा हो जाएगी इसमें। लेकिन आज की तारीख में जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है, इसमें जो कहीं सरकार जो भागने की कोशिश कर रही है तो भाग नहीं सकती। अब चुनाव तो 2024 के कराना पड़ेंगे, चाहे ये करे या ना करे, और इतना ही है। तो आप मोहन यादव जी को बोलिए इस्तीफा दे दे वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, तो सबसे अच्छी बात है कि लो भाई शुरुआत कर दी हमने, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान को गुजरात की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। देखिए साल भर हमारे यहाँ चाहे प्रदेश हो देश हो, प्रदेशों की अगर स्पेशली हम बात करें तो पूरी तरह से चुनावी मोड में सब कुछ रहता है। अगर एक बार वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं फायदा होगा ना, विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी ना, तो इस पर तो फोकस करिए आप। हाँ तो सब चीज ठीक है, हम तो सब बात के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं, मैंने तो ओपनिंग रिमार्क में, मैंने रख पा रहे हैं तो नहीं नहीं मैंने अपनी ओपनिंग रिमार्क में ही यही बात कही कि जब अगर सभी पार्टियों, समय बहुत कम है फिरोज जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।